दुनिया से जुड़े मजेदार और रहस्यमय तथ्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस हिंदी चैनल को। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करती हैं तो इस चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उस सभी की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी। मकाओ गुफा की खुदाई का रहस्य। उत्तर पश्चिम चीन के तुनहुड़ जिले में स्थित मकाओ गुफा समूह विश्व में अब तक सुरक्षित सबसे विशाल और अखंड बौद्ध धर्म का अवशेष है। विश्व विख्यात मकाओ गुफा समूह उत्तर पश्चिम चीन के रेगिस्तान क्षेत्र में सीधी खड़ी पर्वतीय चट्टानों पर बनाई गई है। इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? कहा जाता है कि मकाओ गुफा का निर्माण स्थल ले सुन नाम के एक बौद्ध भिक्षु द्वारा निश्चित किया गया था। ईसा 366 में बौद्ध भिक्षु ले चुन जब तुनहुड़ जिले के सानवी पहाड़ की तलहटी पहुंचे तो वक्त संध्या की वेली था। विश्राम के लिए वहां कोई जगह नहीं थी। वह मन में सोच रहा था, इसी बीच उसकी निगाह उठी तो निगाह के आगे खड़े मीन सा पर्वत चोटी पर सुनहरी किरणों फूटने लगी, मानो हजारों बुद्ध महात्मा किरणों से दिव्यदृष्टि हो रहे हो। बड़े आश्चर्य का दृश्य था। भिक्षुले चुन एकदम मनमुग्ध हो गया। मन ही मन सोचा कि यह निश्चय ही एक तीर्थ स्थान है। ले चुन ने इस पवित्र स्थान में बुद्ध गुफा खोदने का निश्चय किया। उसने बड़ी संख्या में कारीगरों को बुला कर गुफा का निर्माण काम आरंभ किया। गुफा खोदने का काम विस्तृत होता चला गया और थांग राजवंश के समय तक यहाँ 1000 से ज्यादा गुफाएं खोदी जा चुकी थी। विशेषज्ञों के लंबे समय के अनुसंधान के अनुसार मकाओ गुफा खोदने का काम वैसा संयोग से नहीं हुआ था। उसके निर्माण में प्राचीन चीनियों की बौद्धिमता और परिश्रम की अभिव्यक्ति हुई है। गुफा समूह का स्थल इसलिए रेगिस्तान के नकली स्थान के बीच चुना गया था कि जिससे बौद्ध धर्म के जग जीवन से अलग रहने तथा प्रकृति से मिलजुल हो जाने की विचारधारा अभिव्यक्त हुई है। मकाओ गुफा नदी के तट पर खड़े पर्वत पर बनाई गई है। गुफा के आगे यान छान नदी की जल राशि से आसपास के पेड़ सिंचित है। प्राकृतिक पर्यावरण बहुत स्वच्छ शांत और मनोहर है। मकाओ गुफाएं मधुमक्खी छाता की भांति पंक्तिबद्ध होती है। ऊंची से ऊंची 40 मीटर शीत मौसम में रेतीली तूफान मुख्यतः गुफा के पीछे की ओर पश्चिम से आता है जो गुफा के ऊपर से गुजरता है, जिससे गुफा को जरा भी क्षति नहीं पहुंच सकती। ग्रीष्म दिनों पूर्व से वायु आ रहा है, इसे मकाओ गुफा के सामने खड़ी सानवी पहाड़ से रोका जाता है। इससे गुफा को सीधी नुकसान नहीं पहुंचता है। इस प्रकार की बेहतर प्राकृतिक स्थिति में मकाओ गुफा रेगिस्तान में बसे सबसे सुरक्षित स्थान में अवस्थित है। उपरोक्त कारणों से मकाओ गुफा 1000 से ज्यादा सालों के कालांतर में भी क्षति से बच गए। यहाँ चीन के 11 राजवंशों से में निर्मित हुई 492 गुफाएं तथा बड़ी मात्रा में विभिन्न चित्र और बुद्ध मूर्तियां अच्छी तरह सुरक्षित है और विश्व के लिए अमूल्य सांस्कृतिक अवशेष छोड़कर रखा गया है।